नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत करता हूँ आपका अपने ही YouTube चैनल में जिसका नाम है एड इन्फो विड्स, जहाँ पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। मैंने आपको मैथ की इस सीरीज में इससे पहली वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उनको सेट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अब आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे नंबर्स को अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस को पाने के लिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा आपको पता है, सुबह के टाइम में इंग्लिश की वीडियो आ रही है और शाम के टाइम में मैथ्स की वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप दोनों की दोनों वीडियो में से जिस टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम। पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आज टॉपिक है उसका ठीक अपोजिट है, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि किसी भी नंबर्स का, किसी भी चीज़ का घटता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले बड़ी चीज़ आएगी, बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद में फिर उससे छोटा, 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 फिर सबसे छोटा, ऐसे करके आज हम घटते हुए क्रम की बात कर रहे हैं। तो आइएगा समझते हैं। मैंने यहाँ पे चार अलग अलग नंबर्स लिख दिए हैं, मुझे नहीं पता ये नंबर्स कितने बड़े हैं, इनको क्या पढ़ा जाएगा। आपको अगर आपको किसी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको नंबर पढ़ना आना चाहिए। इसका शॉर्ट और बहुत इजी तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर को पढ़ना भी जाने तो मेरी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है कि कैसे नंबरों को पढ़ें, तो उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी उस वीडियो का और असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम की जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया और एक चैप्टर और था जो कि मैंने पढ़ा दिया है, आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज चेक कर लेना, नीचे उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो चैप्टर का नाम है संख्याओं की तुलना, ठीक है, मतलब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो वो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो संख्याओं को छोटे बड़े क्रम में ही लगाने का खेल यहाँ पे हम आज खेल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल कहता है कि हमें पहले ये चेक कर लेना चाहिए जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सभी के डिजिट्स हमें काउंट कर लेने चाहिए, मतलब सभी के अंक हमें काउंट कर लेने चाहिए, गिन लेने चाहिए कि जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो नंबर सबसे बड़ा होगा और जिसके अंक सबसे कम होंगे वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्योंकि अवरोही क्रम चल रहा है, तो अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा फिर घटता क्रम आना है, मतलब कि घटता क्रम चलेगा हमारा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे घटते घटते सबसे छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर की हमें तलाश करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले हर एक नंबर की, ये चार नंबर है, इन चारों की डिजिट्स मैंने काउंट कर ली पहले में, 1 2 3 4 5 छह डिजिट्स आई, छह अंक आए, इसको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में भी छह, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में, तीसरे में भी छह, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले में 7 अंक हैं, 7 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ। और हमें करना क्या था, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करके लिखना था। तो सबसे बड़ा नंबर हुआ हमारा ये, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले 7 9 9 8 9 0 4, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब बड़ा नंबर है तो इसकी तरफ बड़े मुंह वाला निशान, मतलब जो हम लेस देन और ग्रेटर देन वाला निशान लगाएंगे, हम मार्क लगाएंगे, वो भी सीधी सी बात है उसका मुंह भी खुला हुआ, उसका मुंह बड़ा, बड़े मुंह बड़े नंबर की तरफ होता है। मैंने आपको बताया था तरीका कि जिस तरफ इसका मुंह छोटा होता है उस तरफ छोटा नंबर आता है, और जिधर बड़ा होता है, खुलता जाता है, बड़ा होता जाता है, उधर बड़ा नंबर आता है। तो सबसे बड़ा नंबर इधर आ गया, इसका मतलब हमारा मार्क ऐसे लगेगा। अब हमें क्या करना है, इससे छोटा नंबर लेना है। तो अगर हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये नंबर हमारा हो चुका, इसको अब उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 7 डिजिट थी, सबसे लंबा सबसे बड़ा नंबर था, हमने इसको अभी तक लिख लिया। अब आइए बात करते हैं इन तीनों नंबर्स की। अब इन तीनों नंबर्स में हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो इनमें डिजिट्स काउंट करनी थी। अब यहाँ पे अगर हम डिजिट्स काउंट कर रहे हैं तो सभी की 6-6 डिजिट्स हैं, तो इसमें हम पहला फॉर्मूला हमारा काम नहीं आएगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इनके जो सबसे बाया सबसे उल्टे हाथ की तरफ की पहले पहले डिजिट्स पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को चेक करना है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आप देखेंगे तो 6, इसमें लिखा हुआ है 5 और इसमें लिखा हुआ है 7।
बस अब आपका सारा काम यहीं पे हो जाएगा। अब आपको इसमें से देखना है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हो गया, अब उससे छोटा नंबर लिखना है। तो अब आए छह अंकों वाली संख्याएं आई, छह अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहला नंबर जो है बाएं हाथ का, उल्टे हाथ का सबसे पहला अंक जो है वो क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इनमें सात है ना, सेवन है सबसे बड़ा। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी ये इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आइए लिखते हैं 7, 6, 5, 8, 5, 6। फिर उसके बाद में फिर इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में सेवन से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? सिक्स। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, 6, 7, 8, 9, 3, 2। फिर उसके बाद में इज ग्रेटर देन, फिर सबसे छोटा कौन सा नंबर बचा? जब हमारे ये भी हो गया, ये भी हो गया, सबसे छोटी डिजिट कौन से नंबर की आ रही है? फाइव वाले की। तो फाइव वाला जो नंबर होगा वो सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर होगा, इसको हम सबसे एंड में लिखेंगे। कैसे? अभी देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार और बता देता हूं मैं। ये वाला जो मार्क होता है इसको लगाने का तरीका ये होता है कि ये जिधर से छोटा हो रहा है उधर छोटी संख्या आती है, और जिधर ये बड़ा होता है खुलता जाता है, इसका मुंह खुलता जाता है बड़ा होता जाता है, उधर आती है आपकी बड़ी संख्या। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आपको इसमें दी हुई जानकारी कैसी लगी वो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ स्टडी का मटेरियल आपको पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों के साथ में भी शेयर करना। बने रहिएगा मेरे साथ में और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।